तो दोस्तों अब नेक्स्ट कमांड आता है अपने पास लाइन। अब लाइन में अपने पास देखिए जो लाइन डेफिनेशन है उसमें अपने पास गिनती के अपने पास 6 टूल्स हैं, इसमें 6 ऑप्शंस हैं और 6 ऑप्शंस में अपन लाइन किस किस तरीके से बना सकते हैं वो अपन देखते हैं। अभी पहला आता है ऑप्शन अपने पास पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि आपको लाइन बनेगी आपके 2 पॉइंट के रेफरेंस में। अब 2 पॉइंट के रेफरेंस में आपको लाइन बनानी है तो मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट बना लेता हूँ। जैसे मैंने पॉइंट ऑन प्लेन वाले ऑप्शन से मैंने 2 पॉइंट ले लिए और मैंने फिर लाइन पे क्लिक किया और पॉइंट टू पॉइंट वाले मेथड से फर्स्ट पॉइंट ये सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट ये सेलेक्ट कर लिया और 2 पॉइंट को जोड़ के इसने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर जैसे अगर अपन इसकी लेंथ और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट वैल्यू को आप पकड़ के आप स्ट्रेच करेंगे तो आप वो लेंथ आप दे सकते हैं कुछ एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने 300 दे दिया तो आप स्टार्ट और एंड वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं जितना चाहें। उस 2 पॉइंट तो आपके फिक्स हो जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद अगर आपको एक्सटेंड जितना करना आप उतना कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट मेथड। नेक्स्ट आता है मेरे पास पॉइंट डायरेक्शन। पॉइंट डायरेक्शन में क्या होता है कि जैसे अगर मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक, पॉइंट डायरेक्शन कमांड मैंने चूज़ किया, पॉइंट ले लिया मैंने ये, ठीक, डायरेक्शन अगर डायरेक्शन ले रहा हूँ मैं इसमें एक्स डायरेक्शन, तो आप देखेंगे कि जो आपकी लाइन है वो आपकी एक्स डायरेक्शन से आपकी बढ़ना चालू हो गई है। इसको मैं बढ़ाऊंगा तो एक्स डायरेक्शन में बढ़ेगी, मिरर एक्सटेंड करूंगा तो दोनों तरफ इसकी लेंथ उतनी ही बढ़ेगी जितनी एक तरफ से बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ ये तो तुम्हारी हो गई है लाइन एक्स डायरेक्शन के रेफरेंस में। अगर पॉइंट डायरेक्शन में अगर मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ ये है और डायरेक्शन सेलेक्ट करता हूँ वाई, तो आपकी वाई डायरेक्शन के रेफरेंस में आपकी लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। अगर मैं जेड डायरेक्शन के रेफरेंस में सेलेक्ट करता हूँ तो जेड डायरेक्शन के रेफरेंस में कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये आपकी तीनों एक्सिस के रेफरेंस में आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट आता है मेरे पास एंगल स्लैश नॉर्मल टू कर्व। अब इसमें क्या देखना है अपन को, इसमें देखना पड़ेगा अपन को कर्व और पॉइंट, किस पॉइंट से अपन को वो एंगल चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक कर्व है और मैंने ऑप्शंस लाइन में गया, मैंने ऑप्शन चूज किया एंगल स्लैश नॉर्मल टू कर्व। अब कर्व में मैंने कर्व सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सपोर्ट में अगर सिलेक्शन वो डिफॉल्ट ले रहा है तो ठीक है, कभी कभी नहीं लेता है। सिलेक्शन अगर सपोर्ट में देना हो तो आप ये डिफॉल्ट प्लेन जिस जिस जो ये कर्व जिस प्लेन पे अपन ने बनाया है वो ही प्लेन आप डिफॉल्ट में चूज कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। पॉइंट किस पॉइंट से आपको एंगल चाहिए वो पॉइंट आप दे दीजिए। कर्व का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया कर्व पे, तो आप ये कर्व पे आप एंगल नॉर्मल टू कर्व वाले ऑप्शन से आप ये कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको कर्व के नॉर्मल चाहिए अगर आपको लाइन, तो नॉर्मल टू कर्व पे क्लिक करेंगे तो आपके लाइन कर्व के नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। चलिए ओके करेंगे तो ये आपकी लाइन नॉर्मल टू कर्व है, डिलीट। अब आती है बारी अपनी पॉइंट टेंजेंट ऑन टेंजेंट टू कर्व। अब टेंजेंट टू कर्व में क्या होता है, आपको चाहिए एक कर्व, एक एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिमेंट हो जाएगा आपका पॉइंट। कर्व में मैंने कर्व सेलेक्ट कर लिया, ठीक, एलिमेंट में मुझे पॉइंट सेलेक्ट करना है। अब राइट क्लिक करके भी मैं क्रिएट पॉइंट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो मैं सीधे पॉइंट का जो मेरा डायलॉग बॉक्स था वो ओपन हो गया है। अगर मैं पॉइंट वाले डायलॉग बॉक्स में अगर मैं पॉइंट ऑन कर्व वाले ऑप्शन से या फिर पॉइंट टेंजेंट ऑन कर्व वाले ऑप्शन से, मैंने कर्व ये सिलेक्ट कर लिया, इसके टेंजेंट का जो जो टेंजेंट बनेगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वाई। अगर मैं डायरेक्शन वाई चूज करता हूँ तो पॉइंट मेरे पास आ गया ये, ओके किया। जैसे ही मैंने इसको ओके प्रेस किया तो अपना जो कमांड बॉक्स है वो सीधे वापस से जंप ऑफ होके लाइन की डेफिनेशन में आ गया।
अब जैसे ही अपन देखेंगे उस पॉइंट से आपका लाइन एक टेंजेंट होते हुए बन रही है, ठीक है। इसको प्रीव्यू करेंगे, ओके करेंगे, तो आपकी ये लाइन उस कर्व पे टेंजेंट होते हुए दिखाई देगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर कर्व पे अगर आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए था तो फिर आप कर्व को सिलेक्ट करते और आप पॉइंट दे देते ये, तो आपका जो कर्व है, कर्व पे जो लाइन बन रही है वो टेंजेंट होते हुए बन रही है उस पॉइंट पे, ठीक है। इसको आप एंड पॉइंट को आप चाहें तो ज़ीरो भी कर सकते हैं, मैंने ज़ीरो कर दिया, ओके प्रेस किया, तो आपके एक कर्व से कनेक्ट होती हुई आपकी एक लाइन बन गई है। इस तरीके से भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइन के अंदर चलता है, टेंजेंट टू कर्व के बाद आता है अपने पास नॉर्मल टू सरफेस। अब नॉर्मल टू सरफेस में आपको क्या चाहिए पड़ेगा, एक सरफेस और एक पॉइंट। तो मेरे पास जैसे चलिए मैं अंडू करके वो कर्व निकाल लेता हूँ जो मैंने कर्व ये बनाया था, इसको मैं सरफेस में कन्वर्ट कर देता हूँ थिकनेस दे के। मिरर एक्सटेंड किया मैंने इसको और लाइन पे क्लिक किया, नॉर्मल टू सरफेस। अब सरफेस से मैंने सरफेस सेलेक्ट कर लिया, पॉइंट राइट क्लिक किया जैसे पहले बताया था, क्रिएट पॉइंट पे क्लिक किया और पॉइंट ऑन सरफेस वाले ऑप्शन से मैंने ये सरफेस पे पॉइंट ले लिया और मैंने इसको वैल्यू दे दी 0। और जैसे 0 वैल्यू दी मैंने, तो अपना लाइन का जो ऑप्शन था, अपन सीधे जंप ऑफ करके सीधे कहाँ पे लाइन के ऑप्शन में, उसने लाइन ड्रॉप लाइन सीधे नॉर्मल टू सरफेस उसने बना दी। रिव्यू करेंगे देन ओके प्रेस किया, तो अपनी ये लाइन नॉर्मल टू सरफेस बन चुकी है। ऐसा नहीं है, आप अगर किसी इस पॉइंट पे अगर आपको लाइन अगर अगर नॉर्मल टू सरफेस बनानी है तो आपने बस पहले पॉइंट बना लेना है, उसके बाद नॉर्मल टू सरफेस वाले ऑप्शन में सरफेस सेलेक्ट किया देन पॉइंट, आपकी लाइन नॉर्मल टू सरफेस बन जाएगी है, ठीक है। अब आते हैं आगे, नॉर्मल टू सरफेस के बाद मेरे पास आता है बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग अच्छा टूल है एक, ये कहाँ यूज़ करना है, जैसे मुझे को पास दो लाइन का मुझे बाइसेक्टिंग निकालना हो, जैसे मेरे पास एक लाइन है और एक कुछ ऐसी लाइन है, एक लाइन ऐसी है कुछ ऐसी और दूसरी लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का बाइसेक्टिंग निकालना हो, तो बाइसेक्टिंग निकालने के लिए मैंने बाइसेक्टिंग वाला ऑप्शन चूज किया। लाइन वन अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, लाइन टू ये सेलेक्ट करता हूँ, तो दोनों लाइन का बाइसेक्टिंग निकाल देगा ये। आपको इसमें एक बार में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपने ब्लू वाई लाइन को अगर सेलेक्ट किया तो वो हाइड हो जाएगी, जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो आपकी विजिबल रहेगी। अगर मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। अगर मुझे ब्लू वाला सॉल्यूशन चाहिए था तो उस पर क्लिक कीजिए, ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास वो सॉल्यूशन आ जाएगा। आप चाहें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं इसमें, जैसे मैं कुछ एक वायर फ्रेम का कुछ एक बना के दिखाता हूँ आपको, देखना कितनी जल्दी ही बन जाता है। जैसे मेरे पॉइंट टू पॉइंट वाले ऑप्शन से मैं इसको कनेक्ट करता हुआ चल रहा हूँ, देखना कि कितनी आसानी से एक ऐसा शेप बन जाएगा जो कि थोड़ा टिपिकल हो जाता बना बना पाना। लाइंस पॉइंट टू पॉइंट में कनेक्ट कर रहा हूं उसको, ठीक है। अब देखिए आप इसको, ये मैंने एक शेप बना दिया थोड़ा सा। अब आप देखेंगे इसको कि ये आराम से बन गया इस सिर्फ लाइन के रेफरेंस से, और मैंने सिर्फ इसको डायरेक्शन दी है। आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी हाइट कम ज़्यादा जैसा भी चाहें आप वैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वायर फ्रेम में बना हुआ है, सिर्फ पॉइंट और लाइन के रेफरेंस से।
आगे चल के अपन सरफेसिंग जब वर्क बेंच देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है इन सब चीज़ों का, पॉइंट लाइन और प्लेन्स का। तो ज़रा थोड़ा ज़रा इनकी प्रैक्टिस करना रेगुलर बेसिस पे, कहाँ मुझे लाइन ड्रॉ करनी है और कहाँ ज़रूरत है एक्सिस की, तब थोड़ा सा इनका यूज़ करेंगे अपन। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, अभी फ़िलहाल अपन कमांड्स पे चल रहे हैं। ठीक है।